भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका यह फैसला सही साबित भी हुआ। भारत की ओर से सलामी जोड़ी मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेबस नजर आए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 36वें ओवर में ही 188 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श ने सबसे ज़्यादा 81 रनों की शानदार बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 188 रनों का पीछा करने उतरी इंडिया की सलामी जोड़ी सुमन गिल और ईशान किशन रीच पर आए, लेकिन जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मार्क स्टोइनिस ने ईशान किशन को 3 रन पर आउट कर दिया, जिसके थोड़ी देर में मिशेल मार्श की स्विंग होती गेंदों के आगे इंडिया के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी जल्द ही आउट होकर चले गए। इस समय स्टेडियम में बैठे दर्शकों में काफ़ी मायूसी भी छा गई। इतना ही नहीं, इसके बाद सुमन गिल हार्दिक पांड्या भी जल्द ही आउट होकर चले गए, जिसके बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा ने केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय पारी को काफ़ी सूझबूझ से आगे बढ़ाया। केएल राहुल ने टिककर खेलते हुए 74 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक बनाया। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने दोनों ने मिलकर 100 रन से ज़्यादा की मैच जिताऊ पार्टनरशिप बनाई, जिसके बाद इन दोनों महान बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 36वें ओवर में ही भारत को शानदार जीत दिलाई। इस मैच में केएल राहुल ने 91 बॉलों पर 75 रन और रविंद्र जडेजा ने 69 बॉलों पर 45 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके बाद रविंद्र जडेजा को मैच जिताऊ बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, भारत की शानदार जीत के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।